समस्या और समाधान। बेटा, मेरी बहुएं मेरा कहना नहीं मानती, जीन्स पहनकर घूमती है, सर पर चुनरी पल्लू नहीं रखती और मार्केट चली जाती है। मार्गदर्शन करो कि कैसे इन्हें वश में करूं। आंटी जी चरण सप्रस। पहले एक कहानी सुनते हैं, फिर समस्या का समाधान सुनते हैं। एक अंधे दंपति को बड़ी परेशानी होती। जब अंधी खाना बनाती तो कुत्ता आकर खा जाता। रोटियां कम पड़ जाती, तब अंधे व्यक्ति को एक समझदार आदमी ने आइडिया दिया कि तुम डंडा लेकर दरवाजे पर बैठ जाना और थोड़ी थोड़ी देर में डंडा फटकाते रहना जब तक अंधी रोटी बनाए। अब कुत्ता तुम्हारे हाथ में डंडा देखेगा और डंडे की खटखट की आवाज़ सुनेगा तो स्वतः डर कर भाग जाएगा और रोटियां सुरक्षित रहेगी। युक्ति काम कर गई और अंधे दंपति खुश हो गई। कुछ वर्षों बाद दोनों के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जिसकी आंखें थी वो स्वस्थ था, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसकी शादी हुई और बहू आई। बहू जैसे ही रोटियां बनाने लगी तो लड़के ने डंडा लेकर दरवाजे पर खटखट करने लगा। बहू ने पूछा, यह क्या कर रहे हो और क्यों? तो लड़के ने बताया कि यह हमारे घर की परंपरा है। मेरी माता जब भी रोटी बनाती तो पिताजी ऐसे ही करते थे। कुछ दिन बाद उनके घर में एक गुणीजन आए तो माजरा देख समझ गई। बोला, बेटा, तुम्हारे माता पिता अंधे थे, अक्षम थे, तो उन्होंने डंडे की खटखट के सहारे रोटियां बचाई, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की आंखें हैं, तुम्हें डंडे की खटखट की जरूरत नहीं है। बेटा, परंपराओं के पालन में विवेक को महत्व दो। आंटी जी, इसी तरह हिंदू स्त्रियों में पर्दा प्रथा मुगल आतंकियों के कारण आई थी, क्योंकि वे लोग सुंदर स्त्रियों को उठाकर ले जाते थे। इसलिए स्त्रियों को मुंह ढक कर रखने की आवश्यकता पड़ती थी। सर पर हमेशा पल्लू होता था। यदि घोड़े की पदचाप की आवाज़ आए तो मुँह पर पल्ला तुरंत खींच सके। अब हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। राजा का शासन और सामंतवाद खत्म हो गया है। अब स्त्रियों को सर पर अनावश्यक पल्ला और पर्दा प्रथा पालन की आवश्यकता नहीं है। घर के बड़ों का सम्मान आँखों में होना चाहिए, बोलने में अदब होना चाहिए और व्यवहार में विनम्रता छोटों के अंदर होने चाहिए। सर पर पल्ला रखे और वृद्धावस्था में सास ससुर को कष्ट दे तो क्या ऐसी बहुएं ठीक रहेगी? आंटी जी, हम सब पहले लकड़ियों से चूल्हे में खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस में बनाते हैं। पहले बैलगाड़ी होती थी, लेकिन अब लेटेस्ट डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एसी इत्यादि नई टेक्नोलॉजी जब बिना किसी झिझक के उपयोग कर रहे हैं, तो फिर बहू को पुराने ज़माने के हिसाब से क्यों रखना चाहती है? नए परिधान यदि सभ्य है, सलवार कुर्ती जीन्स कुर्ती, तो उसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। जब बेटियां उन्हीं कपड़ों में स्वीकार्य है तो फिर बहू के लिए समस्या क्यों? आंटी जी, परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप अच्छे संस्कार घर में बनाए रखना चाहते हो तो उस संस्कार के पीछे का लॉजिक प्यार से बहू बेटी को समझाओ। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दो और खुले दिल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। बहू भी किसी की बेटी है, आपकी बेटी भी किसी की बहू है। घर में सुख शांति और आनंदमय वातावरण के लिए जिस तरह
आपने मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, वैसे ही बहू के नए परिधान को स्वीकार कीजिए। बहू को एक माँ की नज़र से बेटी रूप में देखिए। जो खुशी बेटी को देते हैं वह बहू को दीजिए प्लीज। धन्यवाद।